गुड मॉर्निंग। सो IATF के इस पांचवे सेशन में आप सबका स्वागत। और आज थोड़े छोटे छोटे विषयों पे बात करेंगे, स्मॉल वीडियोस है ये। कुछ छोटे छोटे पॉइंट लोगों को नॉर्मली रह जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। सो उसमें से पहला है, व्हाट इज ऑटोमोटिव अप्रोच, ऑटोमोटिव अप्रोच के बारे में बात करेंगे आज। सो ये ऑटोमोटिव अप्रोच कहाँ पे लगने वाली है, तो देखिए, जब हम इंटरनल ऑडिट करेंगे IATF में, इंटरनल ऑडिट जब करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो ऑटोमोटिव अप्रोच को यूज़ करते हुए इंटरनल ऑडिट्स कंप्लीट करेंगे। तो आज जानेंगे ऑटोमोटिव अप्रोच एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो देखिए, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, ये प्रोसेस अप्रोच जो आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, TS में वर्ड था प्रोसेस अप्रोच, कि ऑडिट शुड हैपन एज पर द प्रोसेस अप्रोच। उसी प्रोसेस अप्रोच को थोड़ा और रिफाइन इसमें किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच। तो कैसे शुरुआत करेंगे ऑडिट की, तो देखिए, सबसे पहले उस ऑडिट के फंक्शन का या जिस प्रोसेस का हम ऑडिट कर रहे हैं, उस प्रोसेस का टर्टल चार्ट आप देखेंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रेफर करना है वो है टर्टल चार्ट। उस टर्टल चार्ट में प्रोसेस मेजरमेंट के इंडिकेटर्स वहां पे लिखे हुए हैं, इफेक्टिवनेस इंडिकेटर्स, इफिशियंसी इंडिकेटर्स, करेक्ट। तो अभी उस पे हम बात करने वाले हैं, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच। तो देखिए, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच में हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये जानना है कि जिस कंपनी में हम ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी के कस्टमर्स क्या IATF के कस्टमर्स हैं। अब IATF के कस्टमर्स कैसे जानेंगे, तो तीन बड़े नाम तो आपको याद है, कौन से, फोर्ड, जनरल मोटर्स, डैमलर क्राइसलर। और अगर आप IATF का मैनुअल देखेंगे तो उसमें शुरुआत में कुछ IATF के, जिन्होंने IATF बनाया हुआ है, ऐसे एक 10-15 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो उनमें से कोई OEM में आप ऑडिट कर रहे हैं क्या, सबसे पहले जानिए, ठीक है। उनके किसी सप्लायर के यहाँ आप ऑडिट कर रहे हैं क्या, ये जानिए। इसका मतलब, जब इस कंपनी से माल तैयार होकर निकलता है, तो क्या वो इस OEM की लिस्ट में से किसी के पास जाता है, क्या वो जनरल मोटर में जा रहा है, फोर्ड में जा रहा है, क्राइसलर में जा रहा है, ये पहले जानिए। अगर है तो आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट लेवल पे आइए, नॉन IATF कस्टमर्स, कि ठीक है, फोर्ड को नहीं जा रहा है, फिर किसको जा रहा है, टाटा मोटर्स को जा रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स क्या डिमांडिंग है, डिमांडिंग मतलब जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिक्टेट किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि आपको IATF सर्टिफाइड होना चाहिए, उसको कहेंगे डिमांडिंग। ओके, और उसके बाद आपका फोकस रहेगा नॉन डिमांडिंग कस्टमर्स। देखिए, सारे कस्टमर्स ऑटोमोटिव के ही लेने हैं, ये ध्यान में रखिए। अगर आपको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच से काम करना है, तो आपको उन्हीं कस्टमर्स के बारे में बात करनी है, सोचना है, थिंकिंग करनी है, एनालिसिस करना है, जो कस्टमर्स ऑटोमोटिव है। तो सबसे पहले हमने कौन से कस्टमर्स को देखना है, IATF कस्टमर्स, उसके बाद नॉन IATF कस्टमर्स बट डिमांडिंग कस्टमर्स, जिन्होंने सर्टिफिकेट की मांग की हुई है, उसके बाद में बाकी ऑटोमोटिव कस्टमर्स, ये ध्यान में आया। तो अभी तक दो बातें की, सबसे पहले ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच में हमको टर्टल चार्ट देखना है, टर्टल चार्ट में प्रोसेस
मेजरमेंट के दो इंडिकेटर्स इफेक्टिवनेस इफिशिएंसी के देखने हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं, तो कस्टमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कौन सा कस्टमर, तो ये तीन प्रकार बताया है। अभी यहाँ से ऑडिट हमको शुरू करना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि उस कस्टमर के स्कोर कार्ड्स अवेलेबल है क्या। व्हाट इज स्कोर कार्ड, अगर मैंने आपको पूछा तो देखिए, हर ऑटोमोटिव कंपनी अपने सप्लायर्स को एक क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कुछ स्कोर कार्ड देती है। जैसे अगर बॉश का मैं एग्जांपल लूँ तो PLKZ और PPM, ये दो फैक्टर्स उन्होंने रखे हुए हैं अपने सप्लायर्स को मॉनिटर करने के लिए। तो सबसे पहले जानिए कि क्या इस प्रकार के कुछ स्कोर कार्ड अवेलेबल है, उसमें देखिए रिक्वायरमेंट क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे परफॉर्म कर रही है। आए दिन में फॉर एग्जांपल अगर PPM टारगेट रखा हुआ है 10, तो इनसे पूछिए इस ऑडिटी से कि आपका PPM बताइए, जरा PPM का ट्रेंड बताइए, वो आपको कहाँ मिलेगा, 5111 में, ठीक है। PPM का ट्रेंड देखिए, अगर PPM अभी है 25, 30, 50, यानी कि मोर देन 10, तो आपको सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि इस PPM का कुछ एनालिसिस आपने किया हुआ है या नहीं। उसके लिए चाहिए रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस, ओके। उसके लिए क्लॉज है 10-4-2 प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें एक और कंडीशन है कि आपको कस्टमर स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स के ऊपर या वो यूज़ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। जैसे कई कंपनियां, महिंद्रा जैसी कंपनियां अपने सप्लायर्स को कहती है कि आप कापा कीजिए, बॉश कहती है 8D से काम करो। तो पहले जानिए कस्टमर स्पेसिफाइड कोई फॉर्मेट है क्या 10-4 से, और उसमें एनालिसिस किया हुआ है क्या। एक बार समरी कर दे वापस। सबसे पहले हमने क्या कहा, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच। तो सबसे पहले जानना है टर्टल चार्ट। टर्टल चार्ट की अवेयरनेस है क्या, ये पहले पूछिए। अवेयरनेस है ऑडिटिव को, तो दूसरा ये पूछिए कि प्रोसेस मेजरमेंट के इंडिकेटर्स कौन से हैं, इफेक्टिवनेस इंडिकेटर्स एफिशिएंसी के इंडिकेटर्स, दोनों पूछिए। उसके बाद कस्टमर्स की लिस्ट को एनालाइज कीजिए, उसमें से IATF कस्टमर जो है अलग कीजिए, नॉन IATF कस्टमर्स अलग कीजिए, नॉन IATF बट डिमांडिंग कस्टमर्स को अलग कीजिए, उन कस्टमर्स का स्कोर कार्ड लीजिए, उस स्कोर कार्ड में पैरामीटर्स क्या है वर्सेस एक्चुअल्स क्या है वो जानिए। तो यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद अभी ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की शुरुआत हुई, उसके बाद उस टर्टल चार्ट के इनपुट्स क्या क्या है जानिए, अलग लिखिए, आउटपुट्स क्या लिखे हुए हैं वो जानिए, लिख लीजिए। उसके बाद जो राइट हैंड साइड ऊपर का बॉक्स है जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी या हु, वहाँ पे देखिए प्रोसेस ओनर का नाम लिखा है कि नहीं है। अगर प्रोसेस ओनर का नाम लिखा हुआ है, नीचे बाकी लोगों के नाम लिखे हुए है, तो वहाँ से आप एक सैंपल बंदा उठा के, सैंपल ऑडिटी का नाम लिख के आप बाद में उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, ओके। उसके बाद उस प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई की है या नहीं है वो आप पूछिए। रिस्क एनालिसिस किया हुआ है कि नहीं है, क्या वो टर्टल चार्ट में डॉक्यूमेंटेड है या और किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड है। देखिए रिस्क एनालिसिस 6121 की ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसके अवेयरनेस आपको दिखनी चाहिए, उससे रिलेटेड काम आपको दिखना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं वो आपको दिखना चाहिए, ओके। उसके बाद आते हैं उसी टर्टल चार्ट में नॉलेज मैनेजमेंट 716। तो 716 में नॉलेज मैनेजमेंट में दो प्रकार का नॉलेज वहाँ पे होना जरूरी है, उसकी अवेयरनेस जरूरी है। उसमें से पहला है इंटरनल नॉलेज, दूसरा है एक्सटर्नल नॉलेज।
तो इंटरनल नॉलेज में देखिए यूज प्रोसेस से रिलेटेड वर्क प्रोसीजर चार्ट कंट्रोल प्लान प्रोसेस शीट ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है क्या, उसका सैंपल लीजिए, सैंपल लेके उसको बुलाइए, उसको एनालाइज कीजिए, ओके। और सिमिलरली एक्सटर्नल नॉलेज में, फॉर एग्जांपल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या उस कस्टमर का मैनुअल, नॉर्मली जैसे टाटा मोटर्स है तो TML सप्लायर क्वालिटी मैनुअल एक रहेगा, आप वो मांगिए, फिर देखिए कि क्लॉज 7511 के तहत या 432 के तहत, 432 अगर आप या 7511 का टी देखेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स दिखना चाहिए जिसमें CSR मैट्रिक्स एक बनाया हुआ होगा। इस CSR मैट्रिक्स के उस प्रोसेस से रिलेटेड क्लॉज का रेफरेंस उस टर्टल चार्ट में है या नहीं है, ये आपको जानना है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच से कोई ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन शीट में, बैकअप शीट में उसको क्या क्या लिखना एक्सपेक्टेड है, तो सबसे पहले वहाँ पे वो लिखेगा प्रोसेस का ओनर कौन है, प्रोसेस का टर्टल चार्ट अवेलेबल है या नहीं है, उसको सैंपल किया है कि नहीं है, उसके बाद उस प्रोसेस से रिलेटेड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का सैंपल आपको लेना है, पिछले ऑडिट से लेके इस ऑडिट तक का ट्रेंड आप देखिए, वो ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो क्या उसके ऊपर एनालिसिस अवेलेबल है, करेक्टिव एक्शंस डॉक्यूमेंटेड है, और अगर है तो अवेयरनेस है क्या उसका, करेक्टिवनेस अगर ली हुई है तो क्या वो इफेक्टिव है, वो जानिए, इफेक्टिवनेस का इवेल्यूएशन किया हुआ है क्या वो जान लीजिए, ओके। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने कहा कि उस टर्टल चार्ट के ऊपर जो कॉम्पिटेंस लिखा हुआ है वो व्यक्ति उसमें डॉक्यूमेंटेड है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज 4.4 के तहत डॉक्यूमेंटेड है क्या चेक कीजिए, ओके। उसके बाद हम लोग आए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट उस प्रोसेस से रिलेटेड आइडेंटिफाइड है क्या, उसके ऊपर विचार किए हुए है क्या, विचार किए हुए है तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या अप्लाई किए हुए है, कि किस प्रकार के रिस्क उसमें एक्सपेक्टेड है, हाई मीडियम लो, या रिस्क का रेटिंग उसका कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड है क्या, इसके ऊपर बात कीजिए। तो मेरा सजेशन ये है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जिस प्रोसेस का ऑडिट आप करने के लिए जाने वाले हैं, आपको बोला गया है, उस प्रोसेस से रिलेटेड एक वर्किंग डॉक्यूमेंट आप स्वयं तैयार कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल्फ स्टडी आपको कर लेना चाहिए, ऑडिटर ने ऑडिट करने के पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क की आदत मत भूलना, होमवर्क इज़ वेरी एसेंशियल और ऑडिटर के लिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो वो होमवर्क करके आप अगर जाएंगे तो आपको ऑडिट में डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, ओके। तो अगली बार इसको और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आज थोड़ा ओवरऑल मैंने आपको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच के बारे में बताया, ओके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस आपके पास में डायरेक्टली आ जाए, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।